कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और मर्डर का शिकार हुई जूनियर डॉक्टर के पिता का दर्द झलक उठा। उन्होंने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि बेटी की लाश का हाल देखकर रूह कांप उठी थी। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल के महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर एंड रेप होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोटकर की गई थी। इतनी ताकत से कि उनका थायराइड कार्टिलेज टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की थी। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घावों के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था बल्कि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वहाँ कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया? और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। दोस्तों, जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू कि मैं यहाँ पर उन फीमेल डॉक्टर को मानसी नाम से रेफर करने वाली हूँ एंड ये उनका रियल नेम नहीं है, सो कन्फ्यूज मत होना। मानसी एक जूनियर डॉक्टर जो कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को और दिन की तरह मानसी अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वो अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी मदर का फोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा ही होती है। मानसी की मदर उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है ना तुम्हारी, जिसके रिप्लाई में मानसी बोलती है कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है और वो बस अभी कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही है, जिसके बाद वो अपने कलीग्स के साथ बैठकर खाना खाएगी। अपनी मदर से बात करने के बाद मानसी पेशेंट्स को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट्स को देखने में और अपना काम खत्म करने में मानसी को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने कलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में ही बैठ जाती है, जहां मिलकर ये लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते करते रात के 3 बज जाते हैं और इस वक्त मानसी थोड़ी थकान सी फील कर रही होती है, तो वो अपनी थकान दूर करने के लिए इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। मानसी के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वो तब भी सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल था क्योंकि मानसी कभी भी आधे घंटे से ज्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है और वो ऐसे ही सारे रूम्स को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नजारा, जिसे देखकर वो बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर मानसी की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहां खड़े सब लोगों के लिए ये एक ट्रॉमा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स एंड वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नजारा पहली बार देखा था, वो भी हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर। मानसी की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उसकी कुछ हेल्प कर सकें। काफी देर तक डॉक्टर्स के स्ट्रगल करने के बाद भी एट दी एंड मानसी कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि वो इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके। बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है कि मानसी के साथ किसी ने जबरदस्ती
गलत हरकत करने की कोशिश करी और जब वो इस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला घोट दिया। इवन उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी और फिर उसका रेप भी किया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है एंड पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर भी छानबीन करती है जहाँ ये सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहाँ पर मानसी के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही मिलता है एक ब्लूटूथ नेक बैंड। ये केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर इस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होते, बट बदकिस्मती से इस सेमिनार रूम के अंदर या इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंटर करा जाता है वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरा थे। पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरा में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने के बाद ये पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। ये पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वे लोग वहाँ पर उस टाइम क्या कर रहे थे और इन लोगों को इस बीच यहाँ कुछ भी अजीब दिखा कि नहीं। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ हेडसेट उन्हें मिला था वो इनमें से किसका था, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फोन पेयर करते हो तो अगली बार वो उसे इजीली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों की ये ट्रिक काम भी आती है क्योंकि ये ब्लूटूथ नेक बैंड इन 6 लोगों में से एक आदमी के फोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर है। सिविल वॉलंटियर वो लोग होते हैं दोस्तों जो पुलिस के अंडर काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में। लाइक आपने बहुत सारे फेस्टिवल्स, अनऑथोराइज्ड पार्किंग या भीड़ भाड़ वाले एरिया में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर की यूनिफॉर्म्स पहनकर ऑफिसर्स खड़े रहते हैं जिनका काम होता है कि विदाउट एनी रीजन कहीं पर भी ज्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो। तो अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था जिसके बाद वो संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। बट संजय पुलिस वालों की किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिलता है जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही मानसी के मर्डर का मेन इंसान है। इसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज्यादा डराने लगते हैं एंड फाइनली वो डर कर अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि उसने ही मानसी को मारा है और उसका रेप किया है। ये पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ कलेक्ट करने संजय रॉय के घर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक शू मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखते हैं और ये वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था जिससे जाहिर था कि संजय ये प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। बट जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था उस वक्त वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था, तो क्या वो ये सब बस इसीलिए कर रहा था ताकि उसे कम सजा मिले जस्ट बिकॉज वो उस रात नशे में था। बाद में जब पुलिस वाले उस शू पर लगे ब्लड सैंपल्स को चेक करवाते हैं तो वो भी मानसी के ब्लड से मैच हो जाता है, विच वॉज अ सॉलिड प्रूफ अगेंस्ट हिम। इन सारी रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफी ज्यादा नशे की हालत में था और वो रात के 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था तो उसे यहाँ की काफी अच्छी नॉलेज भी थी कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं। तो वो आराम से इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे ज्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वो अपनी जॉब से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर आते ही वो अपना आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नजर मानसी पर पड़ती है जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। मानसी को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वो पहले काफी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है ये कंफर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पर ज्यादा आ तो नहीं रहा। जब उसे लगता है कि यहाँ उसका रास्ता साफ है तो वो 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहां से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट तक मानसी के साथ इस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वो कितने पेन से गुजरी होगी ये सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा, स्पेशली मानसी के पेरेंट्स का जिन्होंने इतनी उम्मीद से और इतने सैक्रिफाइसेस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था। एंड मानसी अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, अकेली बेटी थी वो, तो उनके लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। एंड गाइस ये केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है और संजय रॉय अभी कस्टडी में है। इस कातिल इंसान के साथ क्या होना चाहिए आप कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस केस के रिलेटेड जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।